भारतीयों ने जो जानकारी जुटा ली थी, आपको याद होगा कि जो हमारे संस्कृत ग्रंथों में नीम और हल्दी के जो औषधीय गुण के बारे में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ही भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेटेंट की लड़ाई जीती थी, आप सबको याद होगा। जब दूसरे देश इस पर अपना अधिकार जमाने लगे थे, उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बात चला था, उसकी प्रमाणिकता को भी किसी ने पुष्ट करने का काम किया, प्रमाण देने का काम किया, तो वह भी हमारी संस्कृत भाषा ने दिया है। प्राचीन समय से ही संस्कृत की स्वीकारता सबसे अधिक रही है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण अत्यंत परमार्जित एवं वैज्ञानिक है। विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में संस्कृत के स्वर और व्यंजन की संख्या इतनी अधिक है कि सभी प्रकार की आवाजों को वैज्ञानिक तरीके से बोला और लिखा जा सकता है। संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, इसमें कोई भी अक्षर छुपाया नहीं जा सकता है। अगर अंग्रेजी को देखें तो बहुत बार होता है अंग्रेजी में कि कई बार पी साइलेंट हो जाता है, कभी ई या कभी के, लेकिन संस्कृत में कभी भी कोई वर्ण या व्यंजन साइलेंट नहीं होता है। अंग्रेजी में नौ के एम ओ डब्ल्यू को नौ बोला जाता है और एम ओ को भी नौ बोला जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके शब्दों के आगे पीछे हो जाने से व्यक्ति के जो भाव हैं उन भावों में, या मैं कहूं कि उसकी अभिव्यक्ति में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। आप अगर कहें अहम ग्रहे गच्छति लिखिए या अहम गच्छति ग्रह लिखिए, तो दोनों में एक ही अर्थ होगा कि मैं घर जाता हूं। और वहीं अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आई मे गो होम को अगर मे आई गो होम लिख दें तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, यानी जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। भाइयों बहनों, जो संस्कृत भाषा है उसका जो शब्द भंडार है वो बहुत बड़ा है, और माना जाता है कि वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। और संस्कृत के शब्दकोश की विराटता से जुड़ी हुई एक रोचक बात मैं आप सबके समक्ष साझा करना चाहता हूं। वैसे तो आप सभी से विद्वान हैं और कामत जी यहां पर मंच पर हैं, पूज्य स्वामी जी हैं और हमारे गोप बंधु जी हैं, जानकी जी हैं, श्रीनिवास जी हैं, आप सब विद्वान लोग आए हैं। लेकिन मुझे लगा कि मैं आप सबके बीच में आ रहा हूं तो जरूर जो थोड़ी जानकारी मुझे प्राप्त है मैं भी आप सबके समक्ष रखूं। मैं भी आज कोई यहां पर मुझे आपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और अभी उद्घोषक भी कह रहे थे कि मार्गदर्शन करने के लिए आए, मैं तो स्वयं यहां मार्गदर्शन लेने के लिए आया हूं, आप सबके बीच में विद्यार्थी के रूप में आया हूं। तो संस्कृत की शब्दकोश की जो विराटता है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि छठवीं और सातवीं शताब्दी में संस्कृत के एक बहुत बड़े रचनाकार हुए जिनका नाम है गंडी। उन्होंने दस कुमार चरित्रम के नाम से एक गद्य काव्य लिखा जिसमें दस राजकुमारों की कहानियां हैं, और उसमें एक कहानी में एक राजकुमार जंगल में शिकार करने जाता है और तीर लगने से उसका निचला होठ कट जाता है। अगर किसी का निचला होठ नहीं है तो वो जितने भी पौ वर्ग वाले वर्ण हैं उन वर्णों को वो नहीं बोल सकता, यानी कि पौ नहीं बोल पाएगा, फौ नहीं बोल पाएगा, बौ नहीं बोल पाएगा, भौ नहीं बोल पाएगा, मौ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इनको बोलने के लिए दोनों होठों की जरूरत पड़ती है। कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा कि बिना पौ फौ बौ भौ मौ के अब संवाद आगे नहीं हो सकता है,
कैसे संवाद होगा, लेकिन यह संस्कृत भाषा के शब्द भंडार की जो विराटता है कि वो कहानी आगे बढ़ती है, आगे भी वो लगातार राजकुमार अपने संवाद बोलता है। और उसके बाद दंडी में कुछ इस तरह लिखा है कि कहीं भी प फ ब भ और म वाले शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि संस्कृत के पास अथाह शब्द भंडार है। हमारे बहुत सारे लोगों ने सवेरे सवेरे हम विष्णु सहस्रनाम सुनते हैं, पढ़ा होगा, जिसने भी भगवान विष्णु के 1000 नाम लिखे गए हैं, ऐसे ही ललिता सहस्रनाम और शिव सहस्रनाम भी हैं। ये सिर्फ संस्कृत भाषा में संभव है कि किसी नाम के 1000 पर्यायवाची हों, ऐसा किसी दूसरी भाषा में संभव नहीं है भाइयों बहनों। ये संस्कृत भाषा भारत संस्कृत भाषा की महानता, इसकी विराटता। इतना ही नहीं, विभिन्न जो भारतीय भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और अनेकों यूरोपीय जो भाषाएं हैं अनेक शब्द संस्कृत से ही प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि संस्कृत एक अत्यंत ही समृद्ध, सरल और व्यवहारिक भाषा है और राजा विक्रमादित्य के समय तक संस्कृत भाषा आम बोलचाल की भाषा होती थी। परंतु हम सब जानते हैं, हमने इतिहास पढ़ा है, कई विदेशी आक्रांताओं का शासन होने के कारण कई सदियों तक एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम यह भी रहा कि हम अपनी मूल भाषा से, अपनी देव भाषा से धीरे धीरे दूर होते चले गए। अब हमें एकजुट होकर अपनी मूल भाषा देववाणी संस्कृत को पुनः मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। आज का यह आयोजन निश्चित रूप से ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि जो लगातार वर्षों वर्षों से साधना हो रही है, वर्षों वर्षों से काम हो रहा है, उसको और शोधित करने के लिए, अपने आप को परिष्कृत करने के लिए, और स्वयं परिष्कृत होकर आप सब यहां से जाएंगे और इस भाषा के लिए, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जो हमसे अपेक्षाएं हैं, हम सबको उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। आपका यह आयोजन निश्चित रूप से इस दिशा में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। मुझे अवगत कराया है कि संस्कृत भारती संस्कृत को पुनः आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए भारत के साथ ही कई अन्य देशों में भी संस्कृत का प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही है। मैं संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, संगठन मंत्री जी का और आप सभी अनुभवों का और जो इस पुनीत कार्य के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको मैं अपने हृदय से साधुवाद देता हूं और ईश्वर से और देवभूमि के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, वो निश्चित रूप से आप सबको प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्रयास भविष्य में जन आंदोलन बनकर उभरेगा और एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब संस्कृत भाषा केवल और केवल पूजा पाठ की तक ही सीमित न होकर आम बोलचाल के लिए भी जन जन की भाषा बनेगी, आम जन जन के लिए बोलचाल का माध्यम बनेगी। अभी हमने भी पिछले दिनों इसके लिए कुछ प्रयास प्रारंभ किए हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा 21 अगस्त 2024 को हमारा जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहां पर विधानसभा का संभाषण शिविर चलाकर सभी हमारे विधायकों को और मंत्रियों को और सभी अधिकारियों को संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित किया गया और एमएपी 2020 के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 5 तक संस्कृत पाठशालाएं, प्रवेशिकाएं प्रारंभ की जा रही हैं। सभी अधिकारियों को कार्यालयों की नाम पट्टिकाएं हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी लिखी जा रही हैं। ऐसा काम हमने यहाँ राज्य के अंदर प्रारंभ कर दिया है और जितने हमारे बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट पर भी बोर्ड भी संस्कृत में लिखे जाएंगे, हिंदी के साथ साथ दोनों तरफ हम जो है इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। अंत में आप सबके द्वारा जो भी, चूंकि देवभूमि उत्तराखंड है और हमने
यहाँ पहले से भी संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए वो जन जन की भाषा बने, नई पीढ़ी में उसका पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपने जो भी अपेक्षाएं हमसे की गई हैं, हमारा पूरा प्रयास होगा कि निश्चित रूप से हम उसको पूरा करें। और पुनः एक बार आप सभी का मैं फिर से यहाँ पधारने पर आप सबका मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, और मुझे भी सावंत जी का और मिश्री जी का और आप सबका, पूरी हमारी संस्कृत भारती की पूरी टीम को, अखिल भारतीय टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे शुभ कार्य में कहूँगा, ये देव कार्य है और इस देव कार्य में मुझे भी आपने बुलाया और आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।